वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में गॉसिस थ्योरम हम लर्न कर चुके हैं। एक बार रीकैप दे दूंगा आपको अभी शॉर्टली। गॉसिस थ्योरम के हमने एप्लीकेशन करने हैं एग्जाम में। इनमें से एक एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम की तरह आना ही आना है। सीबीएसई एग्जाम जब आप देंगे तो क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में वो मोस्ट ऑफ टाइम शुरू हो जाता है स्टेट गॉसिस थ्योरम। यूजिंग इट आगे होगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू में आज मैं आपको 3 चीजें डिस्कस करूंगा। वो एक है अगर चार्ज जो है वो एक रॉड पे यानी एक स्ट्रेट वायर पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इससे डिस्टेंस आर पे जाके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एक दूसरा हम करेंगे कि अगर जैसे ये बोर्ड है ये हमने पूरा चार्ज कर लिया, मान लो सारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां से कुछ डिस्टेंस आर पे इधर को आए, डिस्टेंस आर पे इधर या इसके पीछे जाए बैक साइड में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। और तीसरा डेरिवेशन है कि अगर अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल हो, शेल मतलब अंदर से खाली सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, इसका भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉसिस थ्योरम यूज करके। पहले इससे बाहर निकालेंगे इस पॉइंट पे, फिर इसके सरफेस पे निकालेंगे, फिर इसके अंदर भी निकालेंगे कि अंदर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। सबसे पहले जो गॉसिस थ्योरम लर्न करने से पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस हो चुका है, पहले उसका आपको एक बार रीकैप दे दूं मैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशंस पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में क्विक रिवाइंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस। इसको बेटा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था, क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस, ये होगी इसकी डेफिनेशन। फ्लक्स को नोट किया था हमने फाई से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो यूनिफॉर्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से नोट करने में फ्लक्स आ जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म फिर थोड़ा थोड़ा फ्लक्स निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटे से एरिया को डीएस को डॉट करेंगे। छोटा सा एरिया का मतलब है इतना सा एरिया, बड़ा एरिया मीन जैसे बोर्ड का एरिया, छोटा एरिया मीन्स ये डीएस। ये डीएस अगर इधर को पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है तो ई इंटू डीएस, डीएस मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इंटू कॉस थीटा, इन दोनों में एंगल कितना बना उनको बेटा ऐड करते जाइए, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, और एडिशन को फिजिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। फ्लक्स का 2 यूनिट हमने लिखे, वोल्ट मीटर, और दूसरा यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट्स हैं, एक था वोल्ट पर मीटर, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर से, दूसरा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, उसको एरिया यानी मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यूनिट निकल आए थे लास्ट वीडियो। जिनको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है इसमें, वो पिछला लेक्चर दोबारा ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद बेटा मैंने बोला कि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। लास्ट में हमने फिर डिस्कस किया कि गॉसिस थ्योरम क्या होती है। तो गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड सरफेस का एनी शेप, एनी साइज, एनी डिमेंशंस, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को कितनी क्रॉस करती हैं, बस ध्यान रखना बेटा जो फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर को निकलती हैं उनका फ्लक्स होता है पॉजिटिव। अगर फील्ड लाइंस अंदर को हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेगेटिव। वो मैं समझाऊंगा आपको अभी लेटर ऑन इसी वीडियो में कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स का चक्कर क्या है। ओके, सो पॉइंट वॉज किसी भी क्लोज सरफेस में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको मैथमेटिकल लिखना है,
तो ई डॉट डी एस को करेंगे इंटीग्रेट, लेकिन सरफेस क्योंकि बंद था इसलिए यहाँ पे एक ना सर्कल भी हमने ड्रॉ किया था इंटीग्रल के साइन पे, विच रिप्रेजेंटेड के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल लिया जा रहा है वो एक बंद सरफेस पे है, क्लोज सरफेस पे है। ये गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का दैट वाज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एंड क्लोज्ड बाय द सरफेस। शॉर्ट में लिख देता हूं स्टेटमेंट, आप लास्ट टाइम लिख चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया पहले पुराना वीडियो कर लीजिए बेटा, तो फिर इस वीडियो का मजा आएगा, नहीं तो फिर ये सारा जीरो है, कोई समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको गॉसिस थ्योरम आनी चाहिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आज वाला वीडियो जो है ये एंजॉयबल है, मजा आएगा पूरा पढ़ने में। तो फटाफट फिर से, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हुई गिवन एरिया में से इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है यानी कि पैरेलल लाइंस अगर हुई तो फिर एरिया जो है उसको सीधा डॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, लेट अस से फील्ड राइट हैंड साइड को है ई और ए में एंगल है थीटा, तो सीधा लिखेंगे ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ जैसे कि पॉइंट चार्ज का होगा और इसको बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में किसी सरफेस में से कितना फ्लक्स क्रॉस हुआ तो उस सरफेस पे हम छोटे छोटे एरियाज ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने आपको ये वाला एरिया दिखाया। तो छोटे छोटे सरफेस एरिया, एरिया मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक एरिया यहां पे ड्रॉ करेंगे इधर को पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन, छोटे से एरिया को डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर को है तो ई और डीएस को करेंगे डॉट, यानी ई डी एस कॉस थीटा, और ऐसे ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये सारे हमें ऐड करने हैं यानी करना है इंटीग्रेट, तो निकल आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वांटिटी स्केलर, यूनिट दो थे वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। गॉसिस थ्योरम थी दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस बंद होना चाहिए चारों तरफ से, मैंने उस दिन आपको ये दिखाया, क्लोज सरफेस बंद होना चाहिए, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, एनी शेप। टोटल फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस में से कितनी निकलती हैं, यानी कि एक क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज गिवन बाय 1/ε टाइम्स जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर अंदर एनक्लोज्ड है, अंदर पड़ा बाहर पड़ा उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, अंदर कितना चार्ज है वही जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा इस सरफेस के लिए। हाँ, ये फॉर्मूला जो था मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही यूज होना है, 99.9% वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है 1/ε टाइम चार्ज एनक्लोज्ड। अगर कहीं चार्ज जो है ये सरफेस जो है ये किसी मीडियम में एनक्लोज्ड हुआ तो यहाँ पे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया गॉसिस थ्योरम का आपका पहले रिवाइंड, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बार फटाफट पहले रीकैप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगले पार्ट पे आते हैं। अब गॉसिस थ्योरम से हमने निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू सम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी होंगी। एक तो हमने करना है कि अगर चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइन के लिए चार्ज डेंसिटी आपको याद होगा हमने जब चार्जेस डिस्कस किए तो लैम्डा सिंबल था विच वॉज इक्वल टू चार्ज कंटेंड पर यूनिट लेंथ, और एक हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तीन डेरिवेशन आज की, पहली लाइन की करेंगे, दूसरी जो डेरिवेशन है वो करेंगे शीट के लिए, और तीसरा फिर हम आज एक करेंगे स्फेरिकल शेल के, शेल पे अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो
तो उसको आप लिखते हो चार्ज कंटेंड पर यूनिट एरिया, सिंबल था सिग्मा, नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और स्फीयर, क्योंकि मैंने बताया कि ये शेल है यानी कि ये खाली स्फीयर है अंदर से, तो इसका भी सिर्फ सरफेस होगा, तो सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस केस में फिर से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही यूज करेंगे। तो अगर इसके सारे के ऊपर चार्ज है क्यू और इसका एरिया है 4πr², तो ऐसे लिख सकते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ओके, हमने ये आज तीन डिस्कस करने हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। अब नंबर वन जो पहला स्टेप है, तीनों डेरिवेशन में कॉमन स्टेप्स हैं, कोई और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कभी चांस मिला निकालने के लिए तो भी स्टेप्स आपके पास यही रहेंगे। सबसे पहले आपने सही एक बढ़िया क्वालिटी फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करना सिखाऊंगा आपको, ताकि आपकी जो ड्राइंग है परफेक्ट जाए। एग्जाम में जब आंसर दोगे ना तो सबसे पहले फिगर नजर आएगी, तो फिगर से आप पहचाने जाते हो कि आपकी औकात क्या है, यानी बच्चा कितने पानी में है, तो उससे टीचर जज कर लेगा। हो सकता है आगे का ना भी पढ़े अगर आपकी फिगर जो है वो अल्ट्रा फाइन हुई। आज सिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने कंप्यूटर पे नहीं किया लेक्चर ये वाला, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी दूं कि फिगर जो है बननी कैसी थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि गॉसियन थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, तो हमें एक गॉसियन सरफेस जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है, वो अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड ड्रॉ करना है। तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, ऑब्वियस है गॉसियन सरफेस तभी अप्लाई होगी ना, गॉसियन सरफेस होगा अगर एक क्लोज सरफेस आपके पास होगा तभी अप्लाई होगा। तो एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना बड़ा आसान है। ये क्या शेप है ज्योमेट्रिकली, बेटा ये क्या शेप है ज्योमेट्रिकली, सिलेंडर। बहुत अच्छे, तो सिलेंडर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर जैसे ही होगा। ओके, फर्दर ये क्या शेप है स्फीयर, तो स्फीयर का गॉसियन सरफेस भी स्फीयर जैसे ही होगा, तो थोड़ा इससे बाहर अंदर जहां भी ड्रॉ करना होगा एक स्फीयर हमें और ड्रॉ करना है। तो एक तो चार्ज है अपना जो गिवन, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, उसके अलावा इसके बाहर या अंदर जहां भी आपको पूछा गया हो कि फील्ड यहां पे निकालिए, तो वहां आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये मैं चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे जो डायग्राम दिखेगा वो तो होगा टू डायमेंशनल, बट आपके दिमाग में पिक्चर सही होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में जो बनाया वो क्या चीज है, क्या बना वो। तो क्योंकि ये तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा, ऑब्वियस है आप भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये जब दिखेगा टू डायमेंशनल, तो अगर मैं इसको ऐसे हाथ पे रख के देखूं तो काफी बच्चों को ये डिस्क जैसा ही दिखेगा कि सिर्फ एक सर्कल जैसा है। तो हम स्फीयर को एक सर्कल की तरह ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो है स्फीयर नो डाउट। एनीवे, तो सबसे पहला काम ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस, तीन स्टेप से, मतलब तीन स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। अगला स्टेप होता है हर डेरिवेशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था ना इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये सॉल्व करके निकालिए कि क्या आता है। ये दूसरा स्टेप है अपना, इवेलुएट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका कुछ रिलेशन कुछ फॉर्मूला निकल आएगा, ये दूसरा स्टेप है। यानी पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस पे हमने इंटीग्रेशन करना है ये वाला, वो आगे समझाएगा इंटीग्रेट करके होता क्या है आता क्या है। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डेवलप करिए पहले, सिंपल है बिल्कुल, कोई पंगा नहीं है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन। इंटीग्रेशन है नो डाउट, बट इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला नहीं यूज होना। सबसे पहला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन का ये था ना, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। बेटा ये भी नहीं लगना, इंटीग्रेशन दिखने दिखाने की है बस, यूज नहीं होनी। बस आपने एक चीज ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन मीन्स, मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, हमें बेसिकली एडिशन करना है और कोई पंगा ही नहीं है इसमें बेटा। मैंने बोला था गॉसियन थ्योरम जो है वो अल्ट्रा इजी पार्ट है फिजिक्स का, बट 7-star पार्ट है, बार बार बेटा एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन इजी है। बर्नौलीज थ्योरम में क्या मुश्किल था प्लस वन में, ये बर्नौलीज थ्योरम का आधा है बेटा, उसका हाफ है ये बस। ओके,
इवेलुएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरा स्टेप हो गया, और आखिरी स्टेप आप जानते क्या होगा भाई, हम यूज ही गॉसिस थ्योरम कर रहे हैं, तो एंड में क्या लगाओगे, गॉसिस थ्योरम लगा दो, यूज गॉसिस थ्योरम, बस ये तीसरा स्टेप है बेटा, तीन स्टेप में आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा इन तीन के तीन केसेस का, और वो आंसर जो आएगा वो याद भी रखना है आपको, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। ये तीन स्टेप मैं हर बार वैसे बोलूंगा हर एक डेरिवेशन में, कि पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था, कर दिया, इवेलुएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना था, निकाल दिया, एंड में गॉसियन थ्योरम अप्लाई करनी है। वैसे जब आज मैं आपको करवा रहा हूँगा, मैं हर स्टेप के बाद आपको सोचने के लिए आधा मिनट दूंगा, तो आप मुझे लगता है कि काफ़ी केसेस में खुद ही आंसर बता देंगे कि सर ये वाला आना चाहिए था। सो टीचर का जो है ना पढ़ाने का मजा भी उसी में ही है कि टीचर से पहले बच्चा बोल दे, तो दैट मीन्स टीचर जो है वो अपना जो टीच करने में, सिखाने में जो टीचर के माइंड में था वो बच्चे के माइंड में घुस गया, तो वो उसमें टीचर समझो सक्सेसफुल हो गया। अगर बच्चे ने खुद ही आंसर दे दिया तो आप मेरे से पहले ही बोल देंगे ये इतनी ईजी है थ्योरम। चलिए एक बार पॉज करिए, नोट करिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन। कौन कौन से तीन स्टेप्स करने हैं हर डेरिवेशन में? पहले हमने एक सूटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, दूसरा स्टेप था इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इवेल्युएट करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस कितना आता है, उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन आएगा, और आखिरी स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वल टू 1/ε टाइम्स जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, बस उससे इक्वेट करेंगे और आंसर निकल आएगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन, ये हमने याद होगा आपको शुरू में जो पहले लेक्चर था उसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करना है, यानी एक स्ट्रेट कोई पाइप हो सकता है, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको एक डिफरेंट सरफेस से अगर रब करते हैं, तो इस पे आ गया बेटा एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, अभी जैसे मैंने किया, हो सकता है यूनिफॉर्म हो, लेकिन हमने करना सिर्फ डिस्कस यूनिफॉर्म स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन। ये मैंने तो फाइनाइट ली हुई है, ये इधर को भी इन्फिनिटी तक है और इधर को भी इन्फिनिटी तक है। शेप क्या है? ज्योमेट्रिकली सिलेंडर, बहुत अच्छे। तो अब अगर शेप जो है वो सिलेंडर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंडर होगा, तो वो आपने ऐसे ड्रॉ करना है, तो फिगर आपकी कुछ ऐसे बनेगी। ये सरफेस गॉसियन सरफेस जो आपको ये पर्पल नज़र आ रहा है, ये सरफेस दोनों तरफ से बंद है, सिलेंडर की शेप में है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ समझो ढक्कन लगे हुए हैं, अभी नहीं है, आपने मानना है दोनों तरफ से क्लोज्ड है, क्योंकि गॉसियन जो लॉ है वो क्लोज सरफेसेस के लिए ही अप्लाई हुआ। तो हमें ये डायग्राम अब ड्रॉ करना है, गॉसियन थ्योरम बाद में लगानी है, फिर उसके बाद एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इवेल्युएट कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करना, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये है एक इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट 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 मतलब इनफिनिटी तक है, चार्ज इस पे है पॉजिटिव, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताया था लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज कंटेंड पर यूनिट लेंथ। इसके बाद मैंने आपको बोला है कि एक पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक हमने ड्रॉ करना है एक गॉसियन सरफेस जो कि एक सिलेंडर की शेप में होगा। बेटर रहेगा कि आप गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन मतलब गॉसियन सरफेस होगा। तो अब मैं जो पार्ट आपको लिखना है, लेकिन मैं जस्ट डिक्टेट कर दूंगा, तो आपने कुछ लाइंस ऐड करनी है। कंसीडर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट पी लिखेंगे, विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन। यहां पे आपको फील्ड चाहिए,
फिर आपको लिखना है कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज आर एंड लेंथ इज एल सच दैट पॉइंट पी लाइज ऑन द कर्व्ड सरफेस। ये जो मैं बोल रहा हूं आपने लिखना है, सुन लो ध्यान से। कंसीडर अ स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा पी बी अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना धीरे धीरे। हुज रेडियस इज आर एंड लेंथ या हाइट इज एल। ये आपको वर्ड्स सेंटेंस लिखना है, नहीं तो हो सकता कुछ टीचर आपके नंबर काट दे। चलिए, ये आपका अपना पहला काम खत्म हो गया कि हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था। अभी गॉसियन सरफेस पे आपको ड्रॉ करने हैं छोटे छोटे एरियाज। एरिया यानी जो मैंने आपको ये दिखाया था इस तरह का डीएस एक यहाँ पे ड्रॉ होगा जिसका डायरेक्शन होगा ऊपर को, एक डीएस इधर बनेगा जिसका डायरेक्शन होगा राइट हैंड साइड को, और एक डीएस इधर को ड्रॉ होगा जिसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो आपको तीन जगह डीएस मार्क करने हैं। एरिया वेक्टर मैंने बताया था कि अगर क्लोज सरफेस है तो वो हमेशा बाहर को होता है। ये साइन कन्वेंशन है, कभी क्लासरूम में जब मिलेंगे फिर डिस्कस करूंगा। तो यहां पे एक एरिया डीएस ऐसे शेड कर दीजिए, पूरा सर्कल है तो आधे दिखेगा इस साइड पे, तो इसका डायरेक्शन है ऊपर की ओर। यहां पे डीएस मार्क कर देंगे, एक यहां पे डीएस मार्क करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, एक डीएस इधर मार्क होगा लेकिन वो दिखना नहीं है क्योंकि थोड़ा पीछे छुप गया है, तो आप स्ट्रेट वे ऐसे ही मार्क कर दीजिए डीएस। वो इसके पीछे है क्योंकि फिगर 3D है, तो एक साइड का दिखेगा एक साइड का नहीं दिखेगा। अब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया हुआ है अवे फ्रॉम चार्ज होता है, तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप थोड़ा नीचे करके डायग्राम ड्रॉ कर लेना 90 डिग्री एंगल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी अवे फ्रॉम चार्ज होगा, वो इधर को आएगा बेटा, ई और डी एस में एंगल 0। और यहां भी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, मीन्स ये भी इधर को आ जाएगा बेटा, तो यहां भी एंगल 90 डिग्री। ये अपना पहला स्टेप पूरा हो गया कि आपको एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन सूटेबल फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें गॉसियन सरफेस बना होना चाहिए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड। पहला काम खत्म। अगला जॉब अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करना है इवेल्युएट। तो मैं यहां शुरू करता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब ऐसा है कि यहां पे सर्कल लगा हुआ था, अभी मैं सर्कल नहीं लगा रहा हूं, मैं इंटीग्रल को दो हिस्सों में सॉल्व करूंगा क्योंकि कर्व सरफेस पे सिचुएशन कुछ और है और ये जो फ्लैट सरफेसेस है यहां पे एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज डिफरेंट। नो डाउट ये वाला ई और ये वाला ई आप सेम साइज का बना देना, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, जगह थोड़ी कम बच रही थी, आप ये दोनों सेम साइज के ड्रॉ कर देना। ओके, तो अब मैं बात करूंगा CS मतलब कर्व्ड सरफेस, FS मतलब फ्लैट सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे और फ्लैट सरफेस पे हम अलग अलग इंटीग्रेशन कैरी आउट करने जा रहे हैं। कर्व्ड सरफेस पे E डॉट DS लिखना है, फ्लैट सरफेस पे भी E डॉट DS लिखना है। अब ध्यान से देखिए, फ्लैट सरफेस पे ई और डी एस में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगाना होता है तो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत अच्छे, कॉस 90 0। कर्व सरफेस पे ई और डी एस में एंगल है कितना, यहां पे E और DS में कितना एंगल, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1। वेरी नाइस, तो यहां पे आपके पास बचा बेटा इंटीग्रल ऑफ 0, तो 0 0 ऐड करेंगे बेटा 0 आ जाएगा।
इधर आपके पास है जी इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 1 कर्व्ड सरफेस, 0 0 ऐड करेंगे, मैंने बोला इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, ये तो 0 आ जाएगा। ये जो ई है बीइंग कांस्टेंट, इसको बाहर निकालना है। कांस्टेंट क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये ऐसे अंदर ये इसके गया हुआ है, ये गॉसियन सरफेस है अपना। इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस 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 इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भले अलग अलग होगा, पॉजिटिव से फील्ड अवे इधर को आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे आपकी तरफ आएगा, यहाँ पे नीचे को आएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन नोट आउट चेंज होता जा रहा है। लेकिन डीएस भी उसके साथ ही, यहाँ पे डीएस ऐसे था, यहाँ पे डीएस इधर को आएगा, यहाँ पे डीएस इधर को आएगा। तो ई का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ओनली, तो जितना फील्ड यहाँ पे था मैग्नीट्यूड में उतना ही इधर भी मिलेगा, उतना ही इधर भी मिलेगा। तो ई का वैल्यू इस सरफेस पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट में आती नहीं है, उसमें अब सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया है। डायरेक्शन का काम था कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा हो गया कि वो आएगा 1। अब रह गया सिर्फ ई का मैग्नीट्यूड। तो ई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऊपर को, यहाँ पे आपकी तरफ को, यहाँ पे नीचे को, ये सब है इक्वल। इक्वल मतलब जो कांस्टेंट है जिसने चेंज नहीं होना उसको आप बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकल आता है, तो ई बाहर निकल आया। अब बचा आपके पास डीएस। डीएस यानी आपने ये छोटे 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 जो सरफेस एरियाज है, जो ऐसे सर्कल 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 ऐसे जो बनेंगे ना, ये सारे आपने डीएस डीएस ऐड करने हैं। तो बेसिकली आपने ये छोटे छोटे एरियाज ऐड करने हैं, तो एरिया ऐड करोगे तो ये टोटल एरिया निकल आएगा। तो अब बताइए बेटा, टोटल एरिया, टोटल नहीं बोलना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होगा, बोलिए आप फॉर्मूला। अब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो याद होगा मेरा ख्याल है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या फॉर्मूला था बेटा, मैं यहाँ पे लाइन मार लेता हूँ। तो इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ई बाहर निकल आ गया है, डीएस डीएस ऐड किए, सिर्फ कर्व सरफेस वाले ऐड करने हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πRh। एच की जगह क्या आ गया बेटा यहाँ पे, एल। तो 2πR × L, ये अपना दूसरा जॉब भी खत्म हो गया। पहला काम था एक सूटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, उस पर डिफरेंट जगह पे ई और डीएस में एंगल मार्क कर देने हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सरफेस दो तरह का था, कर्व्ड और फ्लैट, इसलिए हमने दो तरह के इंटीग्रल लिख दिए। ई और डीएस का एंगल देखा, तो ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा, कॉस 90 होता है 0, ये वाला पार्ट खत्म। तो हमें सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन कैरी आउट करना है। कर्व्ड सरफेस पे हर जगह ई का वैल्यू सेम था, ई को बाहर निकाल लिया, डीएस 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 इंटीग्रेट मतलब ऐड किए, तो आंसर अपने पास 2πRL आ चुका है। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है, गॉसियस थ्योरम अप्लाई करना है। बस इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम ई इंटू 2πR × L ये इक्वल टू होना चाहिए 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो क्वेश्चन है कि इतना जो लेंथ है, देखो ना, अगर इस सिलेंडर का लेंथ है L और ये वायर है सीधी, तो अगर पूछे कि सिलेंडर के अंदर अंदर ये जो पाइप है वाइट वाला, इसकी कितनी लेंथ है, तो ऑब्वियस उतनी लेंथ जितना लेंथ सिलेंडर का है। तो उसी तरह से जो वायर अपने पास इस सिलेंडर के अंदर अंदर एनक्लोज्ड है ना, उसका लेंथ है L। 1 मीटर लेंथ पे चार्ज लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज कंटेंट पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ पे चार्ज लैम्डा और एल मीटर पे कितना चार्ज होगा, इंटू एल कर देंगे। तो इतना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो गॉसियन थ्योरम में याद होगा आपको सिर्फ अंदर के चार्ज की बात होती है, बाहर का चार्ज डजंट मैटर। अब बस एल से एल किया कैंसल और आपके पास आंसर आ गया ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये सारा कुछ नीचे ले आइए। तो जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ 3 स्टेप में काम खत्म हो जाता है,
ये आंसर आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इवेल्युएट करो। सरफेस सिलेंडर है तो दो तरह के इंटीग्रल करने पड़ेंगे। मान लो स्फीयर है, स्फीयर का तो सारा सरफेस एक ही जैसा होता है तो उसमें एक ही इंटीग्रल आएगा, उसमें ऐसे दो नहीं करने पड़ेंगे, सिलेंडर में करने पड़ते हैं। फ्लैट सरफेस पे ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या है, कर्व पे देखो क्या है, जो जीरो आ गया उसको छोड़ो परे और बाकी कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मैंने बोला था फॉर्मूला तो यूज कोई होना ही नहीं है, जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि इंटीग्रेशन मींस समिंग अप। तो आपने डी एस सारे सम अप करने हैं, उससे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2πRL। इसके बाद गॉसियस थ्योरम लगा दो, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया उसको अकॉर्डिंग गॉसियस थ्योरम 1/ε टाइम्स चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर है। उसके बाद कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता कोई बात नहीं है, ई को रखो लेफ्ट पे, जो बच गया सब राइट पे ले जाओ और आपके पास आंसर आ जाता है। कभी कभी एक आधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्राफ भी बना के दिखा दो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन देखो, बाकी सारा कुछ है कॉन्स्टेंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, 2πε ये सब कॉन्स्टेंट है, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो पुराने बच्चे हैं सबको पता है इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, आपको एक नाम बताया हुआ है बॉयल्स लॉ कर्व। तो बॉयल्स लॉ कर्व बनेगा, वो बना दीजिए, बस इतना सा डेरिवेशन है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, जस्ट आपको डी एस ऐड करने हैं, 10th क्लास का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πRL, बस वो यूज करना है। और ये तीन स्टेप्स याद रखने हैं, जब भी गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन आएगा तो आपको ये तीन काम करने हैं। तो अब करिए वीडियो को पॉज और कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। तो अगर हम एक शीट को चार्ज कर लें शीट मीन्स लाइक आपके पास एक ये तो छोटा है पीस, काफी बड़ा पीस है, इसको हमने जैसे प्लास्टिक रॉड को रब किया, इसको भी रब कर लिया, इस पे चार्ज आ गया। तो शीट को हम रखेंगे ऐसे, एक काम करते हैं एक और तरह से दिखाता हूं आपको, ये आपकी हो गई वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, ऊपर को नीचे को लेफ्ट को राइट को इन्फिनिटी तक है, बहुत बड़ी है, पॉजिटिव चार्ज है जैसे इस पे। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो जैसे आपको ये सिलेंडर नजर आ रहा है ना आर पर दोनों तरफ सेम साइज का, आपको ये वाला शेप ड्रॉ करना है बोर्ड पे 3D पिक्चर की तरह। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, चार्ज अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये वो पॉइंट है यहाँ से डिस्टेंस आर पे जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है। तो आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा सिलेंडर की फॉर्म में जो कि इक्वली एक्सटेंडेड है आगे और इसके पीछे, दोनों तरफ बराबर बनाना पड़ेगा। अगेन पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, तो यहाँ पे फील्ड राइट हैंड साइड को और इस तरफ जो फील्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड को होगा, मेरी तरफ को होगा। इसके बाद वही फिर सेकेंड प्रोसेस, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हमने, ये फिगर बनाना है हमें, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और लास्ट काम, फिर लास्ट स्टेप मैंने छोड़ दिया ऐसे लिखा हुआ पीछे डेरिवेशन का ही है, फिर लगाना है अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम। तो मेरे साथ साथ पहले देखिए डायग्राम कैसे बनना है। तो डायग्राम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल रखना है हमने, इसमें कुछ बुक्स में क्यूबॉइड भी ड्रॉ किया हो वो भी चलेगा, दोनों ठीक है। गॉसियन सरफेस का जो फर्स्ट हाफ है ना, पहले वो ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ये बन गया अपना गॉसियन सरफेस, डॉटेड दिखाना है, पहले बताया था डॉटेड बनेगा। इसके बाद अब हम शीट ड्रॉ करना शुरू करेंगे, देखिए मेरे साथ साथ ड्रॉ करना बेटा अपने, जैसे मैं चल रहा हूं, ये आपकी शीट हो गई, नीचे भी एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे बना लिया है बेटा, पैराग्राम की शेप में बनेगा और इतनी जगह पे नहीं ड्रॉ करना है, और जितना ये लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पे, वो जैसे आपने मिस्टर बीन वाला शो देखा हुआ है ना,
उसे वो नापता था ऐसे करके, फिर वही हाथ लेके इधर जाता था, उस तरह ही करना है। तो जितना ये इधर इतना ही यहाँ से पीछे भी, तो यहाँ तक आएगा, यानी आप इसको लेंथ को पीछे बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसको भी पीछे बढ़ा देंगे यहाँ तक, और एक कर्व सरफेस जैसे ये बना हुआ, देखो दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, दोनों तरफ ये इक्वली एक्सटेंडेड है। थोड़ा ठीक कर देते हैं यहाँ से, तो ये होगी आपकी फिगर। अब इस पे आपको दिखाना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस प्लस के निशान मार्क कर दीजिए, इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे लाइनें मार देना बेटा, अपने आप 3D दिखेगा। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सही बन गया बेटा आपका क्वेश्चन जो है ना 50% पूरा हो गया। टीचर पहले तो ये देखता कि ये कैसा बनाया बच्चे ने। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे, अवे मीन्स यहाँ पे होगा राइट हैंड साइड को, और यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड को। अब है डीएस, क्योंकि सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल है, इसमें सरफेस दो तरह के होते हैं। जब मैं बात करूंगा फ्लैट सरफेस की, तो ये वाला सरफेस लेना है। एक काम करेंगे इसमें हम ना, ये पूरे के पूरे सरफेस एरिया को जो मैंने सारा शेड किया, इसी को हम ds लिख लेंगे। बाकी और भी तरीके करने के, ये थोड़ा आसान है, मैंने वो वाला पकड़ लिया। ds लिख देंगे पूरे एरिया को। व्हाट आई मीन टू से, ये जो आपको डार्क वाला नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये डार्क वाला जो है ये पूरा का पूरा ds है। इधर ये वाला पार्ट जो है थोड़ा लाइट ब्लूइश है, ये भी पूरा ds है। इसको सारे को ds लिख देना, और यहाँ पे एक मैं छोटा सा ds अभी ड्रॉ कर रहा हूं, वो होगा ऊपर की ओर, जैसा कि बताया गया है ds का डायरेक्शन सरफेस को, एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस को नॉर्मली पॉइंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इधर को आएगा, तो आपको मिलेगा कर्व्ड सरफेस पे एंगल 90, फ्लैट सरफेस पे एंगल मिलेगा 0 डिग्री। ये वाला ds इधर को हो गया, ये वाला ds इधर को आएगा। ओके, ये एंगल 0, ये एंगल 0, और यहाँ पे एंगल 90। पहला काम हो गया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था, कर दिया। अगला काम, अब हमने फ्लक्स को इवेल्युएट करना है। तो फाई में दो सरफेस हो गए बेटा, एक तो ई डॉट डी एस कर्व सरफेस का, और एक ई डॉट डी एस फ्लैट सरफेस का। ये फ्लैट सरफेस लिख दीजिए एफ एस। कर्व सरफेस पे ई और डी एस में कितना एंगल, यहां पे ई लिख देंगे 90 डिग्री, तो कॉस 90 लिखेंगे। फ्लैट सरफेस पे कितना एंगल, 0 डिग्री, कॉस 0 लिखेंगे। कॉस 90 का वैल्यू 0 आएगा बेटा, इसको 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, छोड़ो पर इतना ही बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस 0 तो हो गया 1, ई डी एस फ्लैट सरफेसेस, ई ये वाला और ई ये वाला दोनों सेम होंगे। रीजन वेरी सिंपल, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द फिगर, अगर यहां से 5 सेंटीमीटर इधर चले गए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर को बना, उतना ही फील्ड इधर से 5 सेंटीमीटर मेरी तरफ आने पे भी मिलेगा, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर के हैं। डिस्टेंस बराबर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दोनों जगह सेम होगा। सेम होगा मीन्स ये वाला ई सेम है, तो ई निकल आएगा बाहर। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन में अलग अलग है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ तो ई बाहर आ गया। अब आपको ऐड करने हैं ds, ds कौन से, फ्लैट सरफेस के, बट फ्लैट सरफेस में टोटल एरिया जो है फ्लैट सरफेसेस का वो है 2ds, ds ये वाला और ds ये वाला, बस और कोई एरिया नहीं है। या तो होता ना मैं ds छोटा सा फिर और ds फिर और ds, ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा ds एक और ये पूरा का पूरा ds एक। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल फ्लैट सरफेस एरिया 2ds,
दूसरा काम भी हो गया, पहला काम था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो सूटेबल, दूसरा काम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन ढूंढो, ढूंढ दिया आखिर स्टेप आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम। तो वेरी सिंपल, जब आप इस एरिया को कह रहे हैं डीएस, तो ये जो पूरा सिलेंडर बना हुआ है, इस पूरे सिलेंडर के अंदर शीट का कितना एरिया एनक्लोज्ड है बोलिए? शीट का एरिया एनक्लोज्ड जो सिलेंडर के अंदर अंदर लाई कर रही, बेटा बाहर वाली नहीं, अंदर अंदर कितनी शीट है उसका एरिया भी डीएस होगा, ऑब्वियस है। ओके, सो अगर मैं मार्क नहीं करना, आपने मार्क नहीं करना, मैं जस्ट दिखाने के लिए कह रहा हूं, ये शीट का एरिया जो है ना वो इस सिलेंडर के अंदर है, तो ये वाला एरिया भी डीएस है। सो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। सो वेरी सिंपल, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, वो होती है क्यू अपॉन एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, डीएस एरिया पे कितना चार्ज, वेरी नाइस, सिग्मा डीएस, बीएस डीएस कैंसल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 ε0। बाकी मैंने जो नहीं बोला वो वही, कंसीडर शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कंसीडर गॉसियन सरफेस, ये वो बाकी सारा अपने पास बना के से वो 2-3 लाइनें लिख देना, वो टीचर कुछ ख्वाहिश रखते हैं कि बच्चे लिखें तो लिख देना, कोई बात नहीं, थोड़ा खुश करना है उनको। बाकी जो मेन काम है वो तो आपके सामने सारा आ गया। अब मैंने एक चीज जो यहाँ पे नहीं दिखाई कि मान लो जहाँ पे फील्ड निकालना ना आपने पॉइंट पी पे, यहाँ पे फील्ड निकलना था, वो सपोज यहाँ से डिस्टेंस आर पे है, बट दैट डजंट मैटर, आर तो पिक्चर में कहीं आया ही नहीं, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कुछ भी करो, इधर को चाहे जो मर्जी डिस्टेंस रखो, इसमें आर एब्सेंट है। तो हम बार बार बात करते थे ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि यहाँ पे निकालो फील्ड, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, हर जगह फील्ड सेम रहता है, वो बेटा ऐसे ही सोर्स से आता है। तो अगर अपने पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है शीट की फॉर्म में, प्लेन होना चाहिए, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा अगर पॉजिटिव है ये राइट को, लेकिन सब जगह आपको सेम फील्ड मिलेगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरी तरफ को यानी लेफ्ट को, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यही मिलेगा, हर जगह सेम फील्ड होगा। तो अगर अब ग्राफ बनाया जाए बिटवीन ई एंड आर, जो चीज कांस्टेंट है आर पे डिपेंड ही नहीं करती, उसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आर एक्सिस डिस्टेंस एक्सिस, तो इसने चेंज नहीं होना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर पूछे ना कभी कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका सोर्स है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, तो इससे निकलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी जो फील्ड लाइंस हैं दे वुड बी पैरेलल लाइंस। पॉज करेंगे, नोट करेंगे, अभी थोड़ा सा हमने इसको और टचअप करना है, मुझे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक और निकालना है, वो क्या है कि अगर ये तो एक शीट का निकाला ना हमने, एक शीट यहाँ पड़ी है, एक और शीट यहाँ पे पड़ी हो, तो इन दोनों का इकट्ठा फील्ड कैसा होगा, क्योंकि वो डेरिवेशन मुझे जो रिजल्ट आएगा वो आगे टॉपिक आने वाला है कैपेसिटर्स, उसमें हमें यूज करना है। तो अभी थोड़ा टाइमिंग, क्योंकि मुझे फिर भी बताना पड़ेगा, एक बार पॉज करके इसको नोट करिए, फिर मैं इसके जो आगे स्पेशल केसेस हैं वो डिस्कस कर दूं एक बार, फिर हम चलेंगे तीसरी डेरिवेशन पे। चलिए अब ये दो स्पेशल केसेस हैं, मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम हम वीडियो का बचा सकें, ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें दो शीट्स हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वन सिग्मा टू, दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें भी दो शीट्स हैं, दूसरा केस जिसमें एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और एक की उतनी ही नेगेटिव है, शीट वन शीट टू। तो पहले मैं इस शीट की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड को होगा, इसके लेफ्ट पे लेफ्ट को होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ई वन इसका शीट का, यहां पे भी ई वन राइट हैंड साइड को, और यहां पे E1 होगा लेफ्ट हैंड साइड को। फॉर्मूला वही है,
सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस तो मैटर करता नहीं है, चाहे जितने मर्जी किलोमीटर दूर चले जाओ। अब दूसरी शीट जो है पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके राइट हैंड साइड पे राइट को होगा, ये मैं लिख देता हूँ ई टू इक्वल टू सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसके लेफ्ट पे जो पॉइंट्स है वहां पे फील्ड लेफ्ट लेफ्ट को होगा इसका, सो यहाँ पे ई टू का डायरेक्शन लेफ्ट को और फील्ड होगा सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी लेफ्ट को ही आएगा ई टू इक्वल टू सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, दोनों की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इसका फील्ड इधर आएगा राइट हैंड साइड को और इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड को, इसका पॉजिटिव का फील्ड इस तरफ राइट को, इस तरफ लेफ्ट को। अब जरा ध्यान से देखिए, दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो क्या करते हैं, ऐड हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में एक स्टेप एडजस्ट कर देता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड को आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो एलसीएम टू एप्सिलॉन नॉट, न्यूमरेटर में सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। इधर आ जाइए, दो वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं, माइनस होंगे, माइनस होंगे तो एलसीएम फिर से टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो सिग्मा वन चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा टू से बड़ी है, तो ये वाला फील्ड बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़े में छोटा माइनस कर लीजिए। नेट आंसर जो है वो राइट हैंड साइड को आएगा, यहाँ पे दोनों फिर वही एक ही डायरेक्शन में है, प्लस हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को मिलेगा ई नेट इक्वल टू फिर से वही एलसीएम टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आपको चाहे तो इनको डायरेक्टली देख के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डायरेक्टली क्या करना है, सिग्मा वन को सिग्मा पुट किया, सिग्मा टू को माइनस सिग्मा पुट किया, सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, बेटा क्या बनेगा टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, ऐड हो जाना बेटा, ऐड क्यों हो जाना है, यहां पे पॉजिटिव का फील्ड अवे राइट को बनेगा, इसी पॉइंट पे नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज वो भी इधर को ही आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाने हैं, ऐड होके बनेगा E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लिया आपने, सिग्मा वन को सिग्मा, सिग्मा टू को माइनस सिग्मा, ये बन गया टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू कैंसिल। इधर आ जाओ बेटा, क्या होना चाहिए, सिग्मा वन को सिग्मा लिखा, सिग्मा टू को माइनस सिग्मा लिखा, बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सही, नेट आंसर जीरो। और यहां भी चेक कर लो बेटा, यहां भी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको मिलेगा जीरो। तो अगर दो प्लेट्स जो हैं वो इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड हुई तो उसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहता है, यहाँ पे फील्ड लाइन होंगी प्लस टू माइनस, लेकिन बाहर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो अगेन पॉज एंड नोट डाउन। चलिए अब लास्ट पार्ट नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, शेल मतलब अंदर से खाली, जैसे ये बॉल है समझो, मैंने बताया आपको कि डायग्राम 3D नहीं बन पाएगा इसका क्योंकि आप तो ऐसे ही दिखाएंगे, तो ये अपना एक स्फीयर है जिसपे चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये स्फीयर हो गया बेटा, और इस स्फीयर के अराउंड आपको एक ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट मींस वो जो गिवन पॉइंट है वो यहाँ से इसके सेंटर से ना वो डिस्टेंस आर पे है, यहाँ पे निकालना फील्ड, अगली बार फिर निकालूंगा सरफेस पे और एक बार निकालूंगा इसके अंदर। तो जब मुझे बाहर निकालना है यहाँ पे तो मुझे इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जिसका शेप इसके जैसे ही होना चाहिए, क्या शेप यानी स्फीयर होना चाहिए, तो इसके बाहर मैं एक ड्रॉ करूंगा स्फीयर ऐसे बेटा, गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके बाहर एक जिसका रेडियस जो है स्फेरिकल सरफेस का
वो उतना ही होगा जितना वो पॉइंट पी का डिस्टेंस है जहां पे आपको फील्ड निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसकी स्फीयर की अपनी रेडियस कैपिटल आर, जहां फील्ड निकालना है डिस्टेंस आर पे, वहां पे एक और सरफेस ड्रॉ करना है, बाकी आपके पास कड़ा जो भी चीज होगी कंपास बॉक्स लेके जाना, जिस दिन एग्जाम होगा बेटर रहेगा। चलिए जी, ये गॉसियन सरफेस बन गया, फ्री हैंड ऐसे बनता है। ओके, ये पॉइंट पी है जहां पे आपको फील्ड निकालना है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। यहां पे छोटा सा एरिया डीएस ड्रॉ करेंगे पहले की तरह, कई बार दिखा चुका अब। तो डीएस डीएस है ना ये वाले, ये अब स्फीयर के सरफेस पे ऐसे बनेगा। तो कभी ये फिर डीएस यहां पे होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा ऐसे। ओके, इसमें आप दो दो इंटीग्रल कैरी आउट नहीं करने, आपको एक ही करना है। रीजन बीइंग सारा सरफेस एक ही जैसा है, सिलेंडर में दो तरह के सरफेस होते हैं, कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस। स्फीयर में दो तरह सरफेस थोड़ी होते हैं, एक ही सरफेस आएगा। तो पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, दूसरा काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस बार आप इंटीग्रल को क्लोज सरफेस इंटीग्रल लिख सकेंगे, क्योंकि एक ही बार में काम तमाम हो जाना है, सारा कुछ एक ही बार में हो जाएगा। तो E डॉटेड विद DS, एंड यू नो E और DS में कितना एंगल, DS का डायरेक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, तो E और DS सेम डायरेक्शन में, तो cos ऑफ 0, cos 0 आएगा 1, सो इजी, cos 0 1 आ गया बेटा। इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, सभी जगह ड्यूटी सिमेट्री सेम है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। ई बाहर निकल आएगा, इस बार ये सर्कल सर्कल साथ में चलेगा, क्योंकि आपने पूरा क्लोज सरफेस एक ही बार में सॉल्व करना है। तो अब आप बताएंगे बेटा क्या लिखूं मैं यहाँ पे। स्फीयर के सरफेस पे जितने ये डीएस 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 है, ये सारे डीएस डीएस ऐड करने हैं, यानी हमें निकालना है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। बोलिए बेटा क्या होता है। अनुष्का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² बेटी, ध्यान रखना आर कौन सा यूज करना है। गॉसियन सरफेस का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस लिखा जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया सरफेस ड्रॉ कर लिया, सेकंड पार्ट हो गया फ्लक्स निकाल दिया, लास्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम। हाँ जी, क्या लिखेंगे, E इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε टाइम्स। आपके पास दो तरीके लिखने के, अगर तो इसकी चार्ज डेंसिटी को लिखते हो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा चार्ज है यूनिट एरिया पे। अब ये चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब आपको इसका एरिया लेना है बेटा, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया लेना है, बाहर वाला एरिया चाहिए। अब जो चार्ज है वो इस सरफेस पे है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेडियस का सरफेस एरिया है अपने पास 4πr². तो ये चार्ज जो है जो गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर था वो निकल आया, 4π कैंसिल कर दीजिए, तो E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर नीचे, एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा तरीका एक और है कि आप E इंटू 4πr² को 1/ε टाइम द चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, उसको क्यों लिख लीजिए आप, और क्या आंसर आ गया देखो जरा। फिर 4πr² को नीचे लेके जाएंगे, अगर q/4πε स्मॉल आर स्क्वेयर, विच इज द सेम एज दैट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज अपॉन 4πε इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि शायद ये सारा चार्ज एक स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो के शायद एक पॉइंट चार्ज क्यू की फॉर्म में यहां पड़ा हो सेंटर पे।
ये पूरा चार्ज हटा दीजिए, इतना चार्ज यहाँ पे अगर रखेंगे कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज का डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता है। सो फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, पढ़ लेना अच्छी तरह से, फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स होल चार्ज ऑफ द स्फीयर, होल चार्ज ऑफ स्फीयर appears to be, appears to be lying as a point charge at the center। मैंने बोल दिया, हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी, जगह कम थी, होप के पढ़ा जाएगा आराम से। फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स होल चार्ज ऑफ द स्फीयर अपीयर्स टू बी लाइंग एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ऐसा लगता है कि सारा चार्ज जो है वो सेंटर पे पड़ा है। स्टेप्स द्वारा फिर देख लीजिए एक बार फिर से क्या क्या किया हमने। गॉसियन सरफेस जो है स्फीयर था, स्फीयर जैसा ड्रॉ कर दिया, स्फीयर में एक ही तरह का सरफेस होता सारा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, डीएस का डायरेक्शन भी अवे, ई और डीएस में एंगल जीरो, एक ही बार में इंटीग्रल पूरा कैरी आउट हो जाएगा, एंगल जीरो तो कॉस जीरो वन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह डिस्टेंस सेम होने के कारण स्ट्रेंथ में सेम है, बाहर निकल आएगा ds 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 सारे ऐड करेंगे तो वो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगला स्टेप आप जानते हैं, इसको इक्वेट करना होता है विद 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अंदर अंदर जो चार्ज है वो निकालने के दो तरीके, अगर तो सरफेस चार्ज एसटी यूज करनी है सिग्मा तो इनटू एरिया ऑफ द स्फीयर कर दो उससे निकल आएगा, या फिर अगर सारा चार्ज इकट्ठा ही लेना है क्यू तो फिर ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला निकल आएगा। तो ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट वाला डेरिवेशन। अब एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इंटीरियर पॉइंट की तरफ। चलिए जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने छोड़ दिया और जो चीज़ चेंज होने थी वो बारे में मैंने मिटा दी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका जो वीडियो का टाइम है वो सेव करूँगा ताकि अपलोड में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पहले पॉइंट पी अपना यहाँ पे था, अब वो पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा, तो इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो बिल्कुल इसके पास पास आप ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा बाहर को बढ़ा के ताकि दोनों अलग अलग दिख जाएं, बस इतना ही है। और गॉसियन सरफेस का रेडियस भी इस बार स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर है, बिल्कुल इसके पास है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बाहर को ड्रॉ कर दिया ताकि दिख जाए आपको। वैसे ये जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल ही सरफेस के पास में है। ओके, फिर से वही, यहाँ पे आप एक डीएस शो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज दिखाएंगे, बाकी सारा इंटीग्रेशन सेम रहेगा, एंगल जीरो है, फील्ड यूनिफॉर्म है, ई बाहर आएगा, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, हाँ इस बार जो आर है वो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, बस ये ठीक कर देंगे यहाँ पे। तो इधर E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये दोनों कैपिटल आर स्क्वायर हो गए, तो आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लीजिए बेटा, इसमें भी आर नहीं आया, यानी अगर एक फिक्स चार्ज डेंसिटी है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी और एक मैं और स्फीयर ले लूँ रियल वाला, वो तो इमेजिनरी था, इसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है दोनों की, सिग्मा सिग्मा, तो इसका रेडियस भले कम है इसका रेडियस भले ज़्यादा है कोई बात नहीं है, रेडियस कम ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना, इसमें रेडियस आता ही नहीं है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा सिग्मा है तो फिर रेडियस एक का बड़ा हो एक का छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो रेडियस ऑफ स्फीयर पे नहीं डिपेंड करता। हाँ अगर इधर लिखेंगे यहाँ पे तो अपना 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, अगर आपका चार्ज फिक्स्ड है कि इतना ही चार्ज देना है तो भाई स्फीयर बड़ा करोगे आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसमें बोल रहा हूँ चार्ज डेंसिटी सेम, यहाँ बोल रहा हूँ चार्ज सेम, उतना ही चार्ज एक बड़े स्फीयर को देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा, बाकी वो पॉइंट अभी वैलिड है। एक्सटीरियर पॉइंट्स जो है चाहे बाहर हो चाहे सरफेस पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उस तरह का ही रहता है जैसे एक पॉइंट चार्ज का है। ओके, सो इसमें क्योंकि एक बार हो चुका है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
होप के क्लियर हो गया होगा, और इसको एक बार फिर से पॉज करके नोट डाउन करिए। अब लास्ट एक छोटा सा पार्ट बचा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालना हो, सो भी पॉज कर लीजिए पहले नोट। चलिए तो आज अब टॉपिक की क्लोजिंग पे पहुंच चुके हैं। अब हमें निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटीरियर पॉइंट, यानी वो जो पॉइंट पी है वो अगर अंदर की तरफ हो यहाँ पे, तो गॉसियन सरफेस भी अंदर अंदर ड्रॉ होगा बेटा। अब ये वाला रेडियस को लिखेंगे स्मॉल आर, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा गॉसियन सरफेस डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मर्जी है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो लगना शायद इधर को होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ना। अभी हम ऐसा करते हैं इधर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। ई और डी एस में एंगल जीरो कर लो, 180 होगा, नहीं तो अगर अंदर को होगा कॉस 180 में माइनस लगा देंगे, ऐसे ही होगा, बस इतने फर्क है। कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आपने ई को बाहर निकाली, ये स्टेप सारे सेम है। अब अंदर के स्फीयर का रेडियस यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का ई इंटू 4πr², बस ये आखिरी स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है। अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम ई इंटू 4πr² इक्वल टू 1 ε times, यहाँ पे क्या लिखना है? सिंपल क्वेश्चन, देखो मान लो ये जो स्फीयर था ना, अभी तो प्लास्टिक का बना हुआ है, मान लो ये चॉकलेट होती खाली अंदर से। अब मैं अपने छोटे भाई बहन को बोलूं भी ऐसा करते हैं कि ना भैया बाहर का तो मैं खा लेता हूँ, अब अंदर वाला हिस्सा खा लेना इसका, समझे बात मेरी? चॉकलेट है, हॉलो है अंदर से, मैं बोल रहा हूँ बाहर वाली मैं खा लूंगा, अंदर वाली आप खा लेना, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं बेटा, क्या खाएगा वो। उसी तरह से चार्ज जो है वो बाहर बाहर रह गया बेटा, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जीरो, वेरी नाइस। तो अगर बेटा चार्ज ही जीरो है, 4πr² को इधर ले जाओ, जीरो बाय कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है? जीरो। तो अब टू सम अप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर क्यू बाय 4πε₀r² आएगा, अगर r का वैल्यू होगा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये इक्वल टू क्यू बाय 4πε₀ Kepler² आएगा, अगर r का वैल्यू जो है यानी कि वो पॉइंट जो है वो सरफेस पे आ गया, ये अपना दूसरा फॉर्मूला था, और ये फील्ड जीरो होगा अगर r का वैल्यू लेस देन r होगा, जो अभी का डेरिवेशन है। तीन सिचुएशन है इसमें, सो एक बार इसको बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सो वेरी सॉरी आपका टाइम मुझे ज़्यादा लेना पड़ा आज, रीज़न बीइंग ये डेरिवेशन एक ही बार में करनी होती हैं, टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, तो इन तीनों में से कोई एक आती है आपके फाइनल एग्जाम में। इन द फॉर्मेशन स्टेट गॉसियन थ्योरम, यूज इट टू आगे जो भी तीनों में से कोई एक केस आपको दिया होगा, तो आपके स्कूल के एग्जाम जो भी हैं 5 marks का क्वेश्चन बेटा आने ही आना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर कॉपरेशन। वीडियो को एंड में जाके क्या करना होता है अपने आप करिए, बस थैंक यू।